हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ चॉकलेट बर्फी, जो एक बिल्कुल ही अलग टेस्ट में मैं आपको बनाना बताऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं चॉकलेट बर्फी बनाना। चॉकलेट बर्फी बनाने के लिए हम लेते हैं 2 चम्मच कोको पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून मिल्क, बाद में ज़रूरत होगी तो दोबारा डालेंगे, और इसको मिक्स कर लेते हैं। दोस्तों ये देखिए, मैंने ये गैस ऑन नहीं कर रखी है, इसको बंद गैस पे ही पहले मिक्स करना है। इसका एक अच्छा सा पेस्ट बनाएंगे। अभी इसमें हम थोड़ा दूध और डालेंगे। ये देखिए, ये हमारा पेस्ट बनके तैयार हो गया है। फ्लेम मैंने अभी ऑफ रखी है, अभी भी ऑन नहीं की है। ये कितना अच्छा पेस्ट बन गया। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 बाउल कंडेंस्ड मिल्क। ये हो गया है हमारा 1/2 बाउल। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बटर। इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैं गैस शुरू कर देती हूँ। इसको हमें 1 मिनट तक पकाना है, हमें सिर्फ उबाल आने तक पकाना है, और इसको कंटिन्यू चलाते रहना है, क्योंकि इसमें कंडेंस मिल्क है तो वो बहुत जल्दी नीचे चिपक जाता है, तो इसलिए हमें कंटिन्यू इसको चलाते रहना है। देखिए उबाल आ चुका है, अब हम इसको बंद कर देते हैं, नहीं तो नीचे चिपक जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे ये काजू के टुकड़े। ये मैंने बिल्कुल दरदरे पीसे हैं, बारीक नहीं किए हैं। ये 1/2 कटोरी काजू के टुकड़े, इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम मैंने ऑफ की हुई है, फ्लेम ऑन नहीं करनी है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 बाउल बिस्किट का चूरा। ये आप कोई भी बिस्किट ले सकते हैं, मीठे होने चाहिए। ये मैंने बर्बन बिस्किट लिए हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम फ्लेम शुरू करते हैं, इसको मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। इसको बस हल्का सा मिक्स करना है, गरम करना है। ये हमारा अब गरम हो चुका है। ये देखिए पैन छोड़ने लग गया है। अब हम इसको गैस को बंद कर देंगे। ये मैंने सिर्फ मुश्किल से 1 मिनट के आसपास इसको गरम किया होगा। अब गैस बंद करके हम इसमें डालेंगे कटे हुए अखरोट, और इसको मिक्स करेंगे, और इसको मोल्ड में डालेंगे। आपके पास जिस शेप का भी मोल्ड हो, आप उसको इसको उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मेरे पास ये मोल्ड था तो मैंने ये लिया है, मैंने इसको ऑयलिंग कर ली है। आप इसको इसमें शिफ्ट करेंगे मोल्ड। देखिए मैंने इसमें इसको शिफ्ट कर दिया है। इसको अब हम फ्रिज में सेट होने के लिए रख देते हैं। ये मैंने एक स्वीट चॉकलेट ली है, जिसको मैंने मेल्ट कर लिया है। ये इसके ऊपर हम लेयर बनाएंगे इसकी। देखिए अब इसको हम सेट होने के लिए रख देते हैं फ्रिज में। ये देखिए, ये मेरी चॉकलेट बर्फी बनके तैयार हो गई है। मैंने इसको चाकू से ऐसे साइडों से निकाल दिया है। अब इसको हम प्लेट में निकालेंगे। ये देखिए
ये हमारी चॉकलेट बर्फी हमने निकाल दी है। अब इसके हम पीसेस करेंगे। ये देखिए हमारी चॉकलेट बर्फी के पीसेस कट के तैयार हो गई हैं। मैंने इन्हें चौकोर शेप दी है, आप जो चाहें उसको शेप दे सकते हैं। ये देखिए ये जो हमने इसमें नट्स डाले थे कितने अच्छे लग रहे हैं इसके अंदर। तो दोस्तों ये चॉकलेट बर्फी तैयार है, इसे बना के आप खाइए और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक यू।